चित्रा तुम्हें कोई मिला क्या? एक नहीं बल्कि 100 मिल गए। तुम्हारे लिए नहीं कंपनी के लिए चाहिए। तुम्हारे लिस्ट में कोई नहीं है क्या? बहुत ज्यादा बोल रहे हो, जबान काट दूंगी। इतने सर्च के बाद भी टीम लीडर की क्वालिटी वाला एक भी इंसान नहीं मिला यार। अरे मैं हूँ ना। देख तू अपने सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पे ध्यान दे, दूसरे की बातों में ध्यान मत दे। इतनी सारी क्वालिटीज वाला गूगल से नहीं यार, स्वर्ग से आना चाहिए। सुनो, मेरी बात सुनो, रुको रुको। ए, ट्रेन में पहले ही गुरुजी कह के मेरा दिमाग खा लिया था, उतना काफी नहीं है क्या? गुरुजी के बारे में कुछ मत बोलिए, घूम के आपको कभी ना कभी जरूरत पड़ेगी। एड्रेस संभाल कर रख लेना। वैसे पागलखाने का रास्ता किधर है? खुद ही उठा के ले जाएंगे, यहाँ से बाहर निकलो, इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। शुक्रिया पागलखाने तक पहुँचाने के लिए। हाय सर। हाय, आई एम आदित्य, न्यू टीम लीडर। ओह, आई एम विजय, योर असिस्टेंट। ओह, कैन आई मीट एमडी? सॉरी सर, एमडी शहर के बाहर हैं, प्लीज कम विद मी। ओके। हाय गाइस, दिस इज आदित्य, चित्रा। हाय आदि। हाय, नाइस टू मीट यू। थैंक यू। हैंडशेक बहुत हो गया, बस करो। किसी के भी हाथों को लपक लेती है। फनी। आदि। आदि, अंत होने के लिए आए हो क्या? घर में बताकर आए हो ना? वेंकटेश को बताकर आया हूँ, तुम्हें क्या करना है? मतलब सारी तैयारी करके आए। ओमकार, देखिए मेरा नाम ओमकार नहीं है, फनेन्द्र है। अभी तो बताया था ना। फिर से बताना पड़ा। ये क्या, ऑफिस में कोई स्टाफ नहीं है? 3 दिनों की छुट्टी पर है। वो क्यों? सभी गीता से डरते हैं। गीता यानी हमारी बॉस है? वो घोस्ट, भूत है। क्या भूत है? क्या भूत? मौका मिला नहीं कि चिपक जाती है। सर डर गए होंगे इसलिए। अब तो आराम मिल रहा है ना, भैया का अच्छा इस्तेमाल कर रही है। आप बैठिए। गीता नाम की एक लड़की मरने के बाद भूत बनकर भटक रही है, यहाँ पे लोग ऐसा ही सोचते हैं। ये सब डरपोक है बॉस, भूत वूत कुछ भी नहीं होता है। बॉयफ्रेंड है क्या? सर आप कहाँ रहते हैं? मैं घर की ही तलाश में हूँ, अभी तक मिला नहीं है कोई। हम भी उसी की तलाश में, चलिए सर। ये क्या स्पेलिंग लिखा है? टॉयलेट? स्पेलिंग गलत लिखा है। ए, टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट है, चलिए यहाँ से। टॉयलेट नहीं है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लगता है आप बहुत अच्छे काम में लगे हुए थे। वो सब छोड़ो, तुम्हें क्या काम है बताओ? भाड़े पे घर चाहिए। तुम लोग करते क्या? आप जो कहोगी वो करेंगे। सन अलर्ट कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर। डे शिफ्ट में या नाइट शिफ्ट में? नाइट शिफ्ट के हैं। नाइट शिफ्ट? नॉट ए जॉब, आई लाइक इट। मुझे भी पसंद है। बकवास बंद करो, तुम लोग अंदर आओ। अब यही है हमारा घर। क्या है काका, कोई भी राम जी की या कृष्ण जी की फोटो रखते हैं, लेकिन आप लोगों ने तो राम गोपाल वर्मा जी की फोटो लगाई है। कुछ नहीं है बाबा, राम में राम जी हैं और कृष्ण में गोपाल हैं, इसीलिए लेटेस्ट रहेगा सोचकर इनकी फोटो लगाई है। ये वर्मा के पीछे पागल है। पागल नहीं बल्कि दीवाना हूँ, वो हमारे गॉड फादर है, हमारे कुल देवता है। असल में बस बस सीधे खड़े रहो। छोड़ो ये सब, तुम लोग कितने लोग रहोगे? आपका कोऑपरेशन देखिए हम सबको रहने का मन कर रहा है। जितने चाहे रह सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। रेंट कितना होगा? अरे बाजू, कितना भी क्यों ना हो,
आधा भी दोगे तो चलेगा। ऐसा क्यों? रात में तुम लोग नहीं रहोगे, दिन में हम नहीं रहेंगे, इसका ऑनर भी इंडिया में नहीं रहता, तो हम लोग भाड़ा शेयर कर लेंगे और वीकेंड पर पिकनिक करेंगे, क्या बोलते हो? अरे बाप रे, इसकी स्पीड की ऐसी की तैसी। हमें तो पसंद आया, हम आ जाएंगे। ओके ठीक है, हम हमारा लगेज लेकर आते हैं। हाँ ले आइए ले आइए, चलो चलो चलो। अरे मेरी गर्दन, अरे छोड़ो तो। अरे स्टेशन पर मेरा सामान है, जाकर लेकर आता हूँ, जल्दी आना। ठीक है, हम भी हमारा लगेज लेकर आते हैं। चलो लेके आते हैं। रोहित, बाबू रोहित। मेरा रोहित नहीं है। हाँ विजय, मैंने अपना लगेज ले लिया है, तुम लोग कहाँ हो? घर पर ही हैं, आ जाओ। ओ अच्छा, ठीक है, मैं भी वहीं आता हूँ। हाँ आ जाओ जल्दी। ओके तीन दिन पहले की मुंबई एक्सप्रेस की टिकट। रुपीस। सुनिए मैडम, पर्स और कोक भूल गई हैं। ओके थैंक यू। थैंक यू। यहां बैठी है। के साथ डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट बात करना सही रहेगा। क्या बात है, मुंबई जाने के लिए तीन दिन पहले ही घर से निकल गई हो? उसने धोखा दे दिया। क्यों नहीं देगा, उसने बुलाया और तुम मनीषा कोइराला की तरह भागती हुई चली आई। घर वालों को बिना बताए घर से भाग रही हो ना? पहले ये रोना बंद करो, देखा नहीं जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, वैसे ये प्लेटफॉर्म तुम्हारी दहेज में मिला हुआ डुप्लेक्स फ्लैट है क्या?
तुम अभी भी यहाँ रुक के किसी बुरे आदमी के हाथ लग गई, उसके बाद क्या होगा ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। इस उम्र में तुम्हें इतना तो समझ में आता ही होगा। हाँ एक बात और, तुम पे रहम खाकर तुमको एक ऑफर देता हूँ। अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो तुम्हारा प्रेमी कहाँ है उसे ढूंढ लेंगे, अगर नहीं मिला तो तुम्हारे घर में तुम्हें सेफली छोड़ दूंगा। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, जरा सोच लो। ए, लड़की तो कमाल की है यार, आज इसे हर हाल में पकड़ना है। हाँ भाई पकड़ लेंगे। ए, वो तो उसके पास जाकर बैठ गई। ए, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें कब से फोन कर रहा हूँ और कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, हाँ और कितनी बार कॉल कर चुका हूँ तुम्हें, फोन भी नहीं उठाती हो। ए, गजनी अगर कहीं ट्रेन छूट जाती तो। शे लगता है इसका बॉयफ्रेंड है, चलो यहाँ से चलो। बहुत बहुत थैंक्स भैया, मैं पापा के इंतजार में यहाँ बैठी हुई थी तो ये लोग मुझे छेड़ने लगे भैया। जानता हूँ बेटा। पापा मेरी बेटी को आप डांट रहे थे मुझे ऐसा लगा, उनसे बचाने के लिए ऐसा कर रहे थे ये पता नहीं था, मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई। उतने में उन्होंने, दरअसल मुझे इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। आपका धन्यवाद बेटा। अरे कोई बात नहीं, चलती हूँ भैया। चलो बेटी। ये लड़का तो बहुत अच्छा इंसान है। तुमने कुछ सोचा? ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। सबसे पहले तो यहाँ आया, यहाँ आने के बाद फिर और ऊपर आया, ऊपर आने के बाद फिर पूछा, फिर यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया। हेलो बॉस, तुम तो लगेज लेने गए थे, ये पैकेज कहाँ से लेकर आ गए? घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब मेरे फ्रेंड हैं। कौन है ये लड़की? रुक जाओ मैं बताता हूँ, इतना लंबा डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। ट्रेडिशनली इतने सारे लगेज के साथ आई है, मतलब गांव से आई हुई मंगेतर होगी। What? वही, इसे नौकरी मिल गई होगी ना, तो ट्विन सिटी सारी घुमा घुमा कर दिखाने के लिए इसे लाया होगा। मैं सही बोल रहा हूँ ना? अरे, इतने शॉर्ट में इतना शार्प कैसे बोल पाए? एग्जैक्टली यू नॉटी। सिस्टर आपका नाम? मालती। मालती, मालती को रूम दिखा दो। मंगेतर तक तो ठीक है, शादी वादी मत कर लेना। चलो सुनो, आदि तुम्हारा मंगेतर है और मेरा बॉयफ्रेंड है, मंगेतर की हद में रहना तुम। मैं आर्या टू की अल्लू अर्जुन टाइप की हूँ, फ्रेश हो जाओ और फील माय लव, बाय। क्या सोच रही हो? वो वांटेड के सलमान की तरह है, कोई नहीं समझ सकता। वांटेड? वो लोग तुम्हें मेरी मंगेतर समझ रहे हैं, इसीलिए मैंने भी कुछ नहीं कहा। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी यहाँ, उल्टा खुशी रहोगी। ये लुक क्या दे रही है? तुझे पता है तू एकदम भूतों के जैसे देखती है। अरे भूतों से याद आया काका, परसों ना मैं एक फिल्म देखने गया था, उसमें ना हीरो रेलवे स्टेशन से एक लड़की को लेके आता है, उसी दिन वो एक बड़ी भूत बनकर सबको मार देती है काका। हाँ Thank you.
गलती। मालती। हाँ? तीन दिन से कुछ खाया नहीं है, बहुत भूख लगी थी इसलिए मैं वैसे तुमने प्यार कैसे किया? फेसबुक पर? नहीं, नोटबुक। नोटबुक? क्या है इसमें? मेरा रोहित जब 10 साल की उम्र का था तब बहुत खतरनाक तूफान आया था, पूरा का पूरा गांव उजड़ गया था, सिर्फ रोहित की 4 बहनें बच गई थी। रोहित बहुत मेहनत करके 4 पैसे कमाता था और अपनी बहनों का पेट भरता था, पर वो खुद बिना खाए पिए सो जाया करता था, है ना? बिल्कुल ऐसा ही इसमें लिखा हुआ है। हाँ। 10 साल में उसने पैसे कमाकर अपनी 4 बहनों की शादी करवाई और फिर वो कब 20 साल का हुआ ये भी उसे बाहर के लोगों ने बताया, उससे नहीं पता था। हाँ हाँ। वैसे तुम्हें ये बुक किसने दिया? दिया नहीं, मुझे मिली है। अच्छा प्लान बनाकर उसने तुम्हें फंसाया था। कृष्णा नगर के नामचिन 10 राइटर से परफेक्ट कहानी लिखवाया है। किसी से नहीं लिखवाया है, बल्कि उसने खुद लिखकर साइन करके फोन नंबर भी लिखा है, यकीन नहीं हो तो देख लो। तुमने उसे फोन किया, वो आया, फिर उसके बाद प्यार हुआ, चैटिंग हुई, वीकेंड में शॉपिंग हुई, डेटिंग। ओ, अरे सॉरी सॉरी सॉरी। वैसे मेरे हिसाब से उसने तुम्हें अपने सारे गहने लाने को भी कहा होगा ना? ऐसा कुछ नहीं कहा, बस मेरी पसंद का एक डायमंड नेकलेस लाने के लिए उसे बोला था। लगता है फिल्मों की शौकीन ज्यादा है ये। वैसे वो नेकलेस कितने का होगा? 60 या 70। हजार? नहीं, लाख। बेचारा भोला है, कैसा होगा, कहाँ होगा, उसके बारे में कल सोचते हैं, तुम आराम करो। इतनी मालदार लड़की को क्यों छोड़ दिया उसने? क्या हुआ होगा, किस्मत खराब होगी उसकी। कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे? अभी यहीं पर मिलते हैं हम लोग। कितना आराम मिला। अफनी तू कब उठ गया यार, डर के मारे उठ गया क्या तू? Oh, my God.
प्लीज छोड़ो ना प्लीज। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। देखो मेरे पास मत आना गीता, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं ना। देखो तुम्हें मेरी कसम है गीता, नहीं नहीं मेरे पास मत आना, नहीं गीता गीता गीता। ऑफिस से छुट्टी ली है क्या? सैटरडे संडे वीकेंड्स नो जॉब ओनली एंजॉयमेंट। तो फिर हम लोग सब मिलकर, हाँ मिलकर पार्टी करने का तय किया है। और क्या पार्टी क्या? हाँ मुझे लगा कुछ वैसे पूछना भूल गया था, आप लोग क्या करते हैं? माया टीवी में। हम लोग माँ टीवी जानते हैं, ई टीवी जानते हैं। ये माया टीवी क्या है? पहले कभी इसके बारे में सुना नहीं। फ्रेश चैनल है ये। फ्रेश है? मैं प्रोग्राम डायरेक्टर हूँ, ये एंकर है, वो राइटर है। वो सब तो ठीक है, लेकिन पार्टी का स्पॉन्सर कौन होगा? और कौन होगा? आदि है। उसे नया जॉब मिला है और मंगेतर भी। क्या आदि? ठीक है ना? सारा खर्चा तुम ही करोगे। ओके डन। मेरे पापा बहुत पीते थे, लेकिन अब तो वो ऊपर चले गए, अब कैसे पियेंगे? क्या बकवास कर रहे? वो मेरे पापा को दारू पिला रहा था। तुम्हारे पापा को मरे हुए बहुत साल हो गए। अरे नीचे डालूंगा तो ऊपर मेरे पापा घटाघट पी जाएंगे। ओ पापा। क्या है बेटा? ओ मेरे प्यारे पापा। अरे आगे भी बोलेगा? दारू वैसे भी कम है, तुम कहाँ पीने आओगे? दारू का नाम लेते सीधे आ जाते। सोडा क्यों मिला रही हो? वो नीट पीता है। ओ सॉरी। मैं देख लूंगा। ये कैसे हुआ, दारू पी लिया सोडा छोड़ दिया? ये क्या आदि, मंगेतर के डर से मैंगो जूस पी रहे हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है, मैं पीता नहीं हूँ। अब देखना। ओ मेरी प्यारी बहना, अपने भाई के हेल्थ के बारे में इतना क्यों सोचती हो? क्या बहना? Oh, अरे इसने दारू और जूस को अलग अलग कर दिया। देखो भैया मैं हंस जैसा हूँ, बस यही कि वो सफेद है और मैं काला हूँ। उसमें और मुझमें सिर्फ एक ही फर्क है, वो पानी को अलग करके दूध पीता है, मैं कोल्ड ड्रिंक को अलग करके दारू पीता हूँ, बाकी सब चीजें सेम टू सेम। क्या बात है भाई, लास्ट पैक पीने का तो किक ही अलग होता है। अरे तुम पियोगे? मैं पीती नहीं खाती हूँ। यही अपन का स्टाइल है। अच्छा मेरी बात सुनो, उस कमरे को इतना बड़ा ताला क्यों लगा हुआ है? कहीं उस कमरे में बहुत सारी ज्वेलरी तो नहीं रखी है? इसमें मकान मालिक की चीजें हैं, वो उनकी प्रॉपर्टी है। मतलब उसमें ओनर की प्रॉपर्टी रखी? अब बहुत हो गया, चलो चलो। तुम क्या देख रही हो, तुम जाकर सो जाओ, चलो। सब लोग अपने अपने कमरे में जाओ। गुड नाइट एवरीबॉडी। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। बारह बजे की घंटी बज गई, इसको उठाता हूँ। अभी नहीं जानू, बाद में सोने दो ना। अरे क्या बोल रहा है, अबे उठना। ठीक है आ जा। जी तेरी तो। अरे यार मैं हूँ। अबे पलट के सोना। कैसे समझाऊं इसको? अरे अरे मुझे नींद नहीं आ रही है। क्या है? उस ताले की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है। कौन सा ताला यार? अरे वही वो ओनर है ना अमेरिका का, उसने अपना सारा खजाना उस कमरे में रखा होगा यार।
तो हम क्या कर रहे हैं? वही यार, जिस तरह मंदिर के तिजोरी में सोना भरा हुआ होता है ना, उसी तरह उसका सारा पैसा और सोना उसी कमरे में होगा। लेकिन ये बात किसी को भी समझ में नहीं आ रही है, तो हम दोनों उसका फायदा उठा लेते हैं ना। अरे मामू, नशे में भी तेरा माइंड मस्त काम करता है भाई। चल चलते। से बुलाएंगे तो वो भी आधा मांग लेगा, समझ गया? हाँ यार, नाला तोड़ने के लिए तू कुछ लेके आ जा। जा ठीक है ठीक है। हाँ। माँ धनलक्ष्मी माते, आई लव यू, आई लाइक यू सो मच। सुंदरी दिख रही है। कोई बात नहीं, हम मजे करेंगे। क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? मेरे साथ नहीं, उसके साथ क्या कर रहे हो? अंदर सोना चांदी हीरे जवाहरात देखकर तुम भूतनी की तरह चिल्लाना मत समझी क्या? मैं नहीं, तुम चिल्ला रहे हो। अंदर जितना सोना होगा तुम्हारा और जो पैसे होंगे हम दोनों ले लेंगे। जल्दी कर जल्दी कर। हेलो, ऐसे काटते काटते सुबह हो जाएगी। ऐसा नहीं, इधर ला। चल हट। यस। पहले ये चोर थी क्या? जो भी मिलेगा आपस में बांट लेंगे। हाँ हाँ, जो मिलेगा तीनों में बटेगा। तुम उधर जाओ, तुम इधर जाओ, मैं इधर जाता हूँ। ये तेरी तो चल। अरे इसने भी तो यही कहा था।
मालती 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 कहाँ चली गई? आधी रात को कहीं उसे ढूंढने तो नहीं चली गई? हे, तुम यहाँ कैसे? तुम्ही ने कहा था ना सुबह ढूंढते हैं, इसीलिए तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हारा हाल देखकर तो लगता है तुम पूरी रात सो ही नहीं हो। निकले क्या? बहुत लेट हो चुका है। चलो। तुम्हारी ही बाइक है ना? मेरे चलाने पर ही चलेगी। बैठो। ऑलरेडी बैठ चुकी हूँ। बैठ चुकी हो? पता ही नहीं चला यार। हाँ? मतलब जब लड़कियाँ गाड़ी पर बैठती है तो कंधे पर हाथ रखती है ना, इसलिए। वैसे वो रोहित कैसा दिख रहा है? ये लो देखो। कहाँ चले गए ये लोग? अरे हमारे रूममेट सब कहाँ चले गए यार? वो फनी और विजय उस रूम में होंगे। देखते हैं चलो। ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? रात की चढ़ी अभी तक उतरी नहीं, चलो देखते हैं। अरे अरे क्या कर रहे हो तुम लोग चद्दर के अंदर? बेस्ट फ्रेंड नहीं बेड फ्रेंड लगते हैं। वो बात नहीं सकती भाई, सिचुएशन की डिमांड के हिसाब से सब अपने अपनी मर्जी के मालिक हैं। आजाद भारत। हाँ। अभी देखती हूँ। तुम लोग क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हारे चिल्लाने की वजह से हम चिल्लाए। वैसे तुम लोग चिल्ला क्यों रहे हो? ये चिल्लाना नहीं बल्कि डर है। रात को उस कमरे में हमने भूत देखा। कौन से कमरे में? उस कमरे में। चलो देखते हैं। दिखाओ। कहाँ? वो वाले कमरे में। उस कमरे में भूत है? उस कमरे में क्यों गए थे? अकेले घास चरनी गई थी इसलिए इसकी बातों में आ गई। डर। सुनो। हाँ। तुम हंस क्यों रहे हो? आजकल भूत कहाँ होते हैं यार? असल में तुम लोग भूत जैसे दिख रहे हो इसीलिए। ज्योति तुम एक काम करो, टेंशन खत्म हो जाएगा, अच्छी कॉफी बना कर लाओ। ओके। सुनो थोड़ी स्ट्रॉन्ग लाना। सुनो तुम लोग फ्रेश हो जाओ, तू चल रहे मेरे साथ। टन टनन, गर्मा गर्म कॉफी रेडी। देखो जो हुआ उसे भूल जाओ, वो सब तुम्हारा भ्रम था। नहीं, इस घर में भूत है, हमने देखा है। ठीक है तुमने देखा है, पर हमें भी तो दिखना चाहिए ना। मतलब बाल खुले रखकर सफेद साड़ी पहनकर कहीं तुम ही तो। इधर आ। भूत सफेद कपड़े ही पहनते हैं, ये उनका यूनिफॉर्म है क्या? कफन सफेद होता है ना, शायद इसीलिए। सही बोला यार। तुम सब कंफ्यूज्ड हो और हम लोगों को भी कंफ्यूज कर रहे हो। हाँ। क्लैरिटी मतलब उनके पैर ऐसे उल्टे होते हैं। ये भी भूत है क्या? वो टीवी का भूत है। क्या? तो वो वहाँ क्यों खड़ा है? कैमरे के सामने एक्टिंग कर रहा है। अच्छा, मतलब तुम सब भूत हो? क्यों, भूत होने का प्रूफ देना पड़ेगा? है क्या दीदी? बनकर भूतों के घर में आकर फंस गए, मैं तो निकलता हूँ। ए, कहाँ जा रहे हो? ऐसी बैग झटका रहा था वैसे ऐसे ही। भैया इन भूतों के घर में वर्मा का सिनेमा देखना जरूरी है। ए, क्या बोल रहे हो? हमारे बारे में सोचकर फिल्म बनाते हैं, हमारे अस्तित्व को बचाने वाले वो हमारी जान है, हमारे भगवान है। ए, हमारे भगवान को कुछ बोला ना तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके खा जाऊंगा। हम सबके भगवान तो ऊपर होते हैं, तुम्हारे नीचे होते हैं क्या? तुम भूतों के भी भगवान होते हैं क्या? हमारे भगवान के बारे में बताता हूँ, चलो यार जीवी, चलो।
क्यों लेकर आई हो? शायद रोहित यहाँ मिल जाए। हाँ, ये कहाँ चला गया? क्या है? इस लवर बॉय को कहीं देखा है क्या? मैंने इसके लवर बॉय को नहीं देखा। सॉरी, कैरी ऑन कैरी ऑन। बाप रे, जनरेशन कितनी आगे बढ़ गई है। क्या हुआ? इस आदमी को कहीं देखा है क्या? मैंने इसे कहीं नहीं देखा भाई। टीवी में हो रहे स्टिंग ऑपरेशन भी नहीं दिखाई दे रहा है क्या? हेलो हेलो, हाँ हाँ, मैं आता हूँ। मेरे कॉलेज का टाइम हो गया। अब सब साफ दिख रहा है। ए, ये सब क्या कर रहे हो तुम? इन कपल्स में तुम्हारे रोहित को ही तो ढूंढ रहा हूँ। असल में रोहित कैसा दिखता तुम जानते हो क्या? फर्स्ट टाइम जब मैं रोहित से मिली थी तब जानना चाहती हूँ। मैं उतना महान नहीं हूं। क्या हम दूसरी जगह जाकर बैठ सकते हैं? वो पेड़ इस तरह हिल क्यों रहा है? ये नहीं जानते क्या? इस प्लांट के पीछे लवर्स है। ओह, देखिए, पार्क बच्चों के खेलने के लिए होता है, बड़े यहाँ पर सेहत बनाने के लिए आते हैं और शांति से थोड़ा वक्त बिताने के लिए। पर इन्हें देखिए, ये लोग तो पूरा माहौल ही बिगाड़ देते हैं। छी, कितना अच्छा है रोहित, और तुमने उसके बारे में पता नहीं क्या क्या सोच लिया। कितना सीधा, ये तो मिलने पे ही पता चलेगा पता नहीं कौन से पार्क में होगा। ठीक है ठीक है, रोना मत, चलो। ऐसे कोई ब्रेक लगाता है क्या? स्पीड ब्रेकर्स होते हैं ब्रेक लगाने के लिए। रोहित होता तो पता है क्या करता। स्पीड ब्रेकर। क्या हुआ, यू टर्न क्यों ले रहे हो? बाजू वाले रोड पर स्पीड ब्रेकर नहीं है। हाँ हाँ, मतलब बहुत अच्छे से। कुछ नहीं। स्टॉप 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 स्टॉप, कैसे रोकते हो? तुम्हारे चीखने की वजह से। गाड़ी तो क्या, तूफान को भी रुकना पड़ता है। क्या है? मंदिर आ गया। मंदिर नहीं आया, बल्कि हम मंदिर के पास आए। रोहित को राम जी बहुत पसंद है, इसीलिए इतनी तकलीफें हैं। रोहित और मैं इसी मंदिर में आया करते थे। तुम्हें मंदिर भी घुमाया करता था? रोहित के बारे में जानते हो क्या? हाँ हाँ, बताओ ना, बताओ। यजमान, आपका नाम और गोत्र बताइए। आपके नाम और गोत्र की अर्चना कीजिए पंडित जी। ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे नाम और गोत्र से आपकी अर्चना कैसे होगी? पंडित जी, भगवान और भक्त के बीच आप एक सारथी की तरह हो। जब आप खुद ठीक रहोगे तभी तो हमारी इच्छाएं उन तक पहुंचेंगी। तुम्हारे जैसा यजमान तो मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो हरि। पता है वो क्या कहता था? कि वो राम है और मैं उसकी सीता हूँ। मैं क्या रावण हूँ? सुनो सीता, वहाँ राम जी के पास हनुमान जी है, उन्हें तुम अपनी अंगूठी दोगी, वो खोज ही लाएंगे। ओह गुड आइडिया।
ए रुको, तुम इतनी पागल हुई इसीलिए उस चालबाज ने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया। आरती लो। हे भगवान, रोहित जल्दी मिल जाए। चलो, इसे हैंड देकर किसी को हैंडल कर रहा होगा। क्या? कुछ नहीं, मुझे सुनाई दिया। सुनाई दे, इसीलिए बोल रहा हूँ। प्लीज तुम उस चेयर पर बैठ जाओ। यहाँ क्यों? इस चेयर पर रोहित बैठता था और उस चेयर पर मैं बैठा करती। ये रोहित की रट लगाना बंद करो, मुझे गुस्सा आ रहा है। रोहित, रोहित, ये चेयर रोहित की है और ये तुम्हारी। हाँ। मतलब तुम्हारी जगह मैं हूँ अभी। हाँ? देखो, तुम्हें देखते हुए, इस तरह तुमसे बात करते हुए, इस दुनिया को ही नहीं बल्कि मैं खुद को भूल रही हूँ। हाँ? तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर देखती हूँ तो ये सारी दुनिया शून्य लगती है। इस शून्य में सिर्फ हम दोनों ही बैठे हैं। रोहित, अपनी नजर मत घुमाओ, मैं एक पल के लिए भी ये नहीं सह सकती। आदि, बिल्कुल मेरी तरह बोल रहे हो। अच्छा, मेरा प्यार, मेरा शौक बकवास था, इसलिए ऑर्डर दो। एक कोक, एक कोल्ड कॉफी। दिमाग खराब हो गया है। आदि, तुम रोहित का अपमान कर रहे हो। तुम उससे एक बार मिलोगे ना तो खुद ही सॉरी बोलोगे। अच्छा, सॉरी बोलूंगा? कान के नीचे लगाऊं क्या एक? असल में रोहित ने मुझे देखकर क्या कहा जानते हो? हाँ, बताओ। मालती, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं? मुमताज के लिए शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, भानुमति के लिए कुली कुतुब शाह ने भाग्य नगर का निर्माण किया, मेरे हृदय में इस देवता का मंदिर बनाने के अलावा। ओके ओके, पहले बिल दे दो। कितना हुआ भाई? बिल मैडम दे रही हैं। हाँ हाँ, वही देगी। ठीक है। मेरे रोहित ने बहुत मुसीबतें झेली थी इसलिए मैं बिल पे करती थी। तुम्हें क्या हुआ है? तुम ऐसे लड़कियों से बिल पे करवाओगे ना तो तुम्हारी कभी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी। अच्छा, ये बकवास ना सुन सके इसीलिए भाग गया होगा। ठीक है, चलो दिखाता हूँ वो कहाँ होगा। चलो। यहाँ क्यों लेकर आए हो? वो यहीं मिलेगा, मुझे ये डाउट है। सुनिए, इसे कहीं देखा है क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा। मेरा रोहित तुम्हारी तरह कृष्णा नहीं, मेरा राम है। अच्छा, राम है। वो देखो, हमारे गुरुजी नाइट के शॉर्ट कैसे लगाते हैं, उनकी आंखें देखो। ऐसी होती है भूत की फिल्में। क्या बात है, डरावनी।
अब पलटो। ऐसी क्रिएटिविटी हमारे वर्मा जी की होती है। ये क्या यार, इसी घर जैसा लग रहा है। इसी घर जैसा नहीं पगली, यही घर है। देखा ना हमारे गुरुजी कैसे हैं? वाह! ये सब तो सपना है ना? सपना नहीं है, सच में भूत है। आपकी बात मानकर हम नॉन स्टॉप फिल्म देख रहे हैं और फिल्म में इंटरवल होता है, आप हमें थोड़ा इंटरवल देंगे क्या? वाह, तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट मुझे पसंद आया। जल्दी जाकर आओ और फिल्म दिखाऊंगा। हाँ भैया, वो हीरे जवाहरात है क्या जो देखते बैठेंगे? जल्दी आओ। चलो यार। अरे बाप रे, कहीं आ तो नहीं गया? अरे आ गया, भागो। बचा। क्यों डर रहे हो तुम? भूत हमारे साथ खेल रहे हैं। क्या भूत? अरे यार, जिंदा रहेंगे तो चना बेचकर भी जी सकते हैं, लेकिन उस भूतिया घर में तो जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। अरे बाबा, अभी सुबह होने में 2 घंटे बाकी हैं। कल सबसे पहले इस भूतिया घर को किसी तरीके से छोड़कर कोई अच्छा सा घर ढूंढते हैं यार, तभी हमें शांति मिलेगी। चलो तब तक आराम करते हैं। क्यों रे, कहाँ जा रहे थे तुम लोग? हाँ, कहीं नहीं जाएंगे दीदी। हम लोग चैन की जिंदगी गुजार रहे थे, टूलेट का बोर्ड देखकर घर किराए पे लेने चले आए तुम लोग। पार्टी शाटी देके पटा रहे थे हमें, आधा भाड़ा देने का कमिटमेंट कर रहे थे ना। दोनों की पार्टी देकर नशा चाहकर मजे करके यहाँ से निकल जाओगे। तुम लोग चाहे भाग कर जहाँ भी जाओ, वापस यही आना पड़ेगा। ए चुप कर, वापस यही आना पड़ेगा। हमें पार्टी देनी पड़ेगी। तू ही सबको बाहर लेकर गया था ना, सबसे पहले तुझे बताती हूँ मैं। तला हुआ भेजा फ्राई खाऊंगी, गर्मा गरम पाया का रस्सा बनाया है मैंने, जाओ जाकर खाओ। क्या यार, तला हुआ भेजा पाए का रस्सा बोल रहे, हम में से कोई मिस तो नहीं हुआ? क्या हुआ? अरे सब लोग है रे बाबा। इसे क्या हुआ, ये ऐसे क्यों देख रही है? ये हमारी चटनी बना के खाए, उससे पहले कुछ ना कुछ करना होगा। हमारे गुरुजी की कभी ना कभी जरूरत पड़ेगी, एड्रेस संभाल कर रखना। गुरुजी, अपनी परेशानी बताओ। यहाँ क्या है समझ में नहीं आया? अंदर चलोगे सब समझ जाओगे। अरे
अंत समय आ गया है ये समझ चुके हैं, इसीलिए छोड़ने की प्रार्थना कर रहे हैं मुझसे। शिष्य पूजा की तैयारी करो, उन्हें एक जगह पर बैठाने तक मेरा हाथ मत छोड़ना, वरना ये हमारे साथ धोखा कर सकते हैं। गुरुजी, पूजा की तैयारी हो गई। से नहीं बच सकते, मेरे साथ देवी माँ का आशीर्वाद है, यहाँ जितनी भी दुष्ट आत्माएं हैं वो सब मेरे सामने आ जाएं। मामूली मूर्ति नहीं है ये, अष्टदश शक्तियां एकत्र करके उनका आवाहन करके स्थापित की गई है, असुरों का नाश करने वाली मूर्ति है ये। आवाहन करता हूं देवी माँ का, प्रहन मारीचम निपुल्लो व्यस्ता नी के हारम भूतात्मा आवाह्यामी कपालनी आवाह्यामी, स्वीकारो रक्त का नैवेद्य आवाह्यामी 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 आवाह्यामी। ओम गच्छति गच्छति। स्वामी जी, ये लोग तो मेरे फ्रेंड हैं, ये लोग यहाँ क्यों बैठ गए? ये लोग तुम्हारे मित्र नहीं बल्कि ये है प्रेत आत्माएं। स्वामी जी, इनका मुझसे क्या लेना देना है? इन्होंने मुझे क्यों टारगेट बनाया? लेना देना है? रविवार की अमावस्या को आधी रात के बाद जन्म लेने वाले को आत्माएं प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं, और ऐसा कोई लाखों करोड़ों में एक होता है, और वो तुम हो, इसीलिए ये तुम्हें दिखते हैं। स्वामी जी, वो अमावस्या के दिन पैदा हुआ इसीलिए उसे भूत दिखते हैं, लेकिन हमें क्यों दिखते हैं स्वामी जी? ध्यान से सुनो, बहुत लोग कहते हैं कि मरने के बाद मेरे पापा दिखे, मेरे दादा दिखे, वो दिखते हैं। हाँ। या तो उन्हें आपको प्यार देना होगा या फिर अपना बदला चुकाना होगा। कैसा बदला? हाँ। गुरुजी, हमने तो इनके साथ भूतों का नाटक किया था, ये तो सच में भूत बन गए, हमें क्या पता था? उस कमरे में क्या है? शूटिंग का सामान रखा है स्वामी जी। ये लोग तुमसे नहीं डरे हैं बल्कि खुद डर कर डराना चाहते हैं। आदि, तुम्हारे हिम्मत की भी इन्होंने परीक्षा ली है, उनके काम के होने तक ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। किसी परछाई की तरह ही तुम्हारे साथ रहेंगे। आगे तुम्हें क्या करना है ये मैं बाद में बताऊंगा। ओम निर्चरी भूतचरी चरी भूतस्य ओम दिव्ये नमः। सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब है ये सुनकर बैग उठा करके चला आया। इनका क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझना क्या है, इनसे पूछ लो इन्हें चाहिए क्या।
तुम सब लोग यही मर रहे हो क्या? मरने के बाद हम ऐसे बन गए। तू पंच मारना बंद कर और इधर आ। तुम लोग चाहते क्या हो मुझसे? हमारी छोटी छोटी इच्छाएं हैं, अगर तुम पूरी कर दोगे तो हम चले जाएंगे। पूरा नहीं किया तो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। क्या चाहिए बोलो? मुझे अपने बॉयफ्रेंड से। बॉयफ्रेंड? तुम्हें क्या, तुम्हें प्यार करने वाला तुम्हारे पास मंगेतर है। मैंने फेसबुक पे चैट करने के अलावा कभी उसका फेस भी नहीं देखा। कैसा होगा, कितना खूबसूरत होगा मेरा ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन? अब उसके घर भी जाना पड़ेगा क्या? अरे नहीं, यही रहता है वो। तुम उससे पहले कभी मिली हो? नहीं, फेसबुक पे ऑनलाइन होगा। ओपन करो। आईडी बताओ। ऋतिक हॉट बॉय। अच्छा, ऋतिक हॉट बॉय। ऋतिक माय हार्ट, तुमसे मिलना है मुझे। गार्डन रेस्टोरेंट। मैं टेबल नंबर 3 पे हूँ। तो फिर सामने आ जाओ। ओ जाने जाना, मैं हूँ दीवाना। हाय मेरी प्यारी। ए कौन हो तुम? आई एम योर हार्ट बॉय ऋतिक। तुम ऋतिक कैसे हो सकते हो? ब्लैक स्केच पेन पे कपड़े पहना दियो जैसे। तुम ऐसी हो ना? नहीं। तो ये कौन है? मेरी लवर। तो मेरी लवर कहाँ है? वहाँ है। यहाँ तो कोई नहीं है। चित्रा देख लिया ना, तुम्हें पसंद है ना? छी छी, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द बेस्ट इम्प्रेशन। ये तो डरावना है। इसे देखो तो सही, नाटक कहीं का मुझसे प्यार करने चला था। आदि इसे एक लगाओ। इतनी अच्छी बात मैं नहीं कर सकता हूँ। फिर मेरी लवर कहाँ है? फिलहाल तो ब्रदर यही तुम्हारी लवर है। व्हाट अ सरप्राइज, आई लाइक इट। मेरी खूबसूरती देखकर तुरंत लवर को चेंज कर दिया। तू इधर आ। जानू। अगर थोड़ी देर और यहाँ रुका तो मार मार कर तेरी चटनी बना दूंगी। ठीक, फेसबुक पर फेस देखकर धोखा खा गया। वैसे भी अफ्रीका में जंगल कम है या हैदराबाद में लड़कियों की कमी है? चलता हूँ। एक वो ऋतिक और एक ही ऐश्वर्या, क्या जोड़ी थी। फेसबुक को फेस करोगी तो ऐसा ही होगा। क्या हुआ, कब से उधर से इधर, इधर से उधर कर रहा है? अरे क्या बात है, बताना यार। तुम जानते नहीं हो, उसकी इच्छा पूरी करोगे, मेरी इच्छा पूरी नहीं करोगे। ठीक है, तुम्हारी क्या इच्छा है? इधर आओ मेरे साथ चलो, यहाँ लेडीज बैठी है, उधर बताता हूँ। चलो चलो जाओ जाओ। अब बताओ तुम्हारी परेशानी क्या है यार, बताओ ना। वो नहीं हुई। क्या? वही। अरे बोल ना। वही सुहागरात नहीं हुई। भूत होकर कैसी इच्छा है तुम्हारी यार? तुम्हें अब शादी करनी है क्या? शादी नहीं, डायरेक्टली वही करना है। बिना शादी के करेगा? क्यों, इसके लिए शादी करने की क्या जरूरत है? वैसी जगहों पर लेकर जाओगे तो अपने आप ही हो जाता है, जानते हो। कैसे भूतों से पाला पड़ा। ठीक है, कब जाएगा बता। कब क्या मतलब, चुटकी में जाकर चुटकी में तैयार होकर आ जाऊंगा। क्या? कहाँ जाना है? रेड लाइट एरिया, चलोगी क्या? हाँ चलूंगी ना, यहाँ बोर हो रही हूँ। ए वहाँ कोई शादी का फंक्शन हो रहा है क्या? मैं जानती हूँ, वैसे भी तुम उसे भेजने वाले हो ना, और तुम भी। जी जी, वैसे भी वो भूत है, कितनी देर में आएगा कुछ पता नहीं। आ गया। परफ्यूम बचा या खत्म हो गया? पूरा खत्म कर दिया। लाश पर सेंट मारकर सुहागरात बनाने के लिए तैयार हो गया। चल निकल अब।
चलो 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 चलो। ए रुको रुको, मैं भी आ रही हूँ। ये सुपर है, वो और सुपर है, ये तो उससे भी सुपर है। इस जगह पर आते मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है, आ, 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 और मेरी रूह तो अच्छा, कांप उठ रही है। भूतों की भी रूह होती है क्या? ए, जा तू जा, क्या हम तेरा इंतजार यहीं पर करते हैं। जल्दी आना है तो मेरे साथ चलना पड़ेगा। ठीक है। ए, अरे, मैं क्यों, जो भी करना है वो लोग कर लेंगी। एक बार आकर हेल्प कर दो ना बॉस। ए, क्या बोल रहा है वो? साथ में जाने को कह रहा है। कहाँ पर? इसके साथ। जा। ए, मैं क्या तुम लोग का नौकर हूँ? एक बार आंखें बंद कर चलो ना बॉस, बाकी सब मैं देख लूंगा। अरे तू क्या देख लेगा, तू किसी को दिखाई ही नहीं देगा, तब क्या देखेगा तू? सब कुछ तो मेरा दिखाई देगा। बॉडी। वैसे भी अब क्या हो गया बॉस? तेरे अंदर बड़ी आग लगी है, पुलिस आएगी ना, सुहागरात के साथ शादी भी करवा देगी। तो फिर अब क्या करें? बाप रे पुलिस। हम लोग दिखाई देते इसलिए भाग रहे हैं, लेकिन तू क्यों भाग रहा है? जो भी हो तुम मेरे फ्रेंड हो ना बॉस। तू फ्रेंड नहीं, चिपकू है, फेविकॉल जैसा चिपकू। मैं तुझे छोड़ना चाहता हूँ पर तू नहीं छोड़ता मुझे। हमारी फ्रेंडशिप इतनी स्ट्रांग है, पता है मुझे कितनी स्ट्रांग है? जोर से चिल्लाओ मत वरना पुलिस आ जाएगी। बोलते ही पुलिस आ गई, तेरी ऐसी की तैसी। अरे तुम क्या खाना खाने बैठी हो? अरे चलो जल्दी चलो भागो, पुलिस आ गई। अरे उसके साथ साथ मुझे भी उठा लेगा तो क्या जाएगा तेरा? मेरी माँ, मेरी बहन, आज उसका जन्मदिन है। मेरे पिताजी। क्यों बेटी, भैया अभी तक नहीं आए क्या? अब तक नहीं आए। देखो बेटी, अगर गांव में आया है तो घर नहीं आएगा? तू भी तो सुबह सुबह तैयार होकर भैया के लिए इंतजार कर रही है ना? अच्छा एक बात बताइए, आप इतने जल्दी कैसे आ गए? बेटे को देखे बहुत दिन हो गए ना, इसीलिए बाप बेटी को सब्र नहीं हो रहा है। मैं ही क्यों, तुम्हें भी तो सब्र नहीं हो रहा है। तुम भी तो सुबह 3 बजे से उठकर उसके लिए खीर बना रही हो, अच्छे पकवान बना रही हो, और उसे देखने के लिए बार बार उधर देख रही हो। आप भी तो सुबह सुबह उठकर दूध दोकर खेत में चले गए ताकि मैं खीर बना सकूं? नहीं नहीं, आज रविवार है और मुझे बहुत सारे काम होते हैं, और वही सब काम निपटाने के लिए मैं जल्दी उठ गया। और क्या? अब रहने भी दीजिए। साहब जी को देखने के लिए। सच में उसे देखे हुए काफी दिन हो गए, पता नहीं कैसा होगा मेरा बेटा। मुझे कितनी मेहनत से पढ़ाया, मुझसे आस लगाकर बैठे, उनकी इच्छा के अनुसार बड़ी कंपनी में अच्छा जॉब भी मिल गया मुझे। अपनी बहन के जन्मदिन पर घड़ी देना चाहता था। मैं इन सब की जान हूं और मेरी जान हवा में मिल गई। बहन को अपने हाथ से ये गिफ्ट दे दो। नहीं, मेरे ना होने की खबर इन्हें आज नहीं तो कल पता ही चल जाएगी। कम से कम तब तक इन्हें खुशी से रहने दो यार, रहने दो, रहने दो। ठीक है, मैं जाके बहन को देख आता हूँ। ठीक है। ये लीजिए कॉफी। भैया। नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार। आप लोग, मैं आदि, ये मालती, हम दोनों विजय के साथ में ही काम करते हैं। अच्छा, आओ बेटा, अंदर आओ। आओ बेटी, आओ। हैप्पी बर्थडे बेटा। क्या मेरे भैया ने मेरे बर्थडे पे आपको बुलाया है? तुम्हारे भैया बिजी होने की वजह से आ नहीं पाए, और हाँ देखो तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भेजा है, तुमने मांगा था ना। बैठो बेटा। मुझे ये गिफ्ट नहीं चाहिए। क्यों, पसंद नहीं आया क्या? हाँ हाँ, ऐसी बात नहीं है बेटा, हर बार इसके जन्मदिन पर इसका भाई इसे आशीर्वाद देने आता है, लेकिन इस बार नहीं आ पाया इसलिए ये थोड़ी नाराज है। वो क्या है कि इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट में बिजी होने की वजह से वो आ नहीं पाया। मैंने उन्हें
कितनी बार कॉल किया उन्होंने उठाया भी नहीं। अच्छा बाबा, तुम भैया से बात करना चाहती हो ना? ठीक हाँ। है, अब भी उसके सिस्टम पर मैसेज भेजकर तुमसे बात करवाता हूँ, ठीक है ना? ठीक है। ये लो, मैं आता हूँ। सुनो, बहन तुमसे बात करना चाहती है। हेलो, जरा बहना को फोन दो। तुम्हारे भैया हैं। मेरे भैया? हेलो भैया, आप क्यों नहीं आए? मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आदि और मालती आए हैं ना? फिर भी आपको आना चाहिए था ना। आऊंगा, जरूर आऊंगा। हाँ ठीक है, ये लो माँ से बात करो। हेलो बेटा, कैसे हो तुम? तुम्हारे लिए खीर और बहुत कुछ बनाया है बेटा। आपने जो भी बनाया है आदि और मालती को खिला दीजिए, उन्होंने खाया, समझ लीजिए मैंने खा लिया। एक बार पापा से बात कराइए माँ। हेलो बेटा। हाँ 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 हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आना। ठीक है बेटा। अपना ध्यान रखना। ठीक है पापा, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, माँ और बहन का ध्यान रखिएगा। हाँ ठीक है बेटा, रखता हूँ पापा। आओ बेटा। तुम्हारे मैसेज देने के बाद उसने हमसे बात की, हमें बहुत खुशी हुई बेटा। सुनो लक्ष्मी, आओ बेटा आ गया। आ रही हूँ। क्यों बहन, खुश हो ना? हाँ। अरे दो ना। ये लो बेटा। थैंक्स। वैसे तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं बेटा? मेरा कोई नहीं। I'm sorry बेटा। हम हैं ना तुम्हारे, हाँ? हमें अपना माँ बाप समझो। अपने विजय के साथ साथ हम तुम्हें भी अपना बेटा समझेंगे, ठीक है ना? भैया, मेरे भैया अगले बर्थडे में आए या ना आए, तुम पक्का आना। ठीक है, अपना ख्याल रखना बेटा। अच्छा, विजय को खबर अच्छा दे देना बेटा। जी, अब खुश हो ना? भगवान ने अगर अगला जन्म दिया तो तुम्हारे जैसा दोस्त जरूर दे। आज से वो तुम्हारे ही नहीं, मेरे भी माता पिता हैं। अच्छा अब मैं चलता हूँ। वो बहुत अच्छा इंसान है, उसका हाथ कभी मत छोड़ना। सर, ग्रीटिंग्स कहाँ है? लास्ट कॉर्नर में, आइए मैडम। एक्सक्यूज मी। यस मैम। अच्छे ग्रीटिंग्स दिखाइए। बेस्ट फ्रेंड के लिए या बॉयफ्रेंड के लिए? बैड फ्रेंड के लिए। अच्छा है सर। क्या? आपका जोक। अच्छा अपना काम करो। ये देखिए मैम, बहुत अच्छा है। गायब क्या हो गया? तुम मुझे छोड़कर किसी और को आई लव यू बोलने चली थी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। रोहित, रोहित कहां जा रहे हो? रोहित, रोहित, रोहित। पालती, क्या हुआ? रोहित मिला था। कहां पर? यहीं पर, अभी यहीं था। ठीक है ठीक है, बाहर देखते हैं, आओ। रोहित, ठीक है, तुम टेंशन मत लो, वो यही था ना, मिल जाएगा अब वो। चलो, तुम यहां हो और मैं सारे घर में ढूंढ रहा हूं। देखो,
रोहित मिला ये सोचकर तुम्हें खुश होना चाहिए, ना कि उसकी वार्निंग से तुम्हें डरना चाहिए। वैसे भी एक बात कहूँ, प्रेमिका अगर किसी दूसरे लड़के के साथ घूमेगी तो प्रेमी को गुस्सा आएगा ही ना यार, तो जाहिर सी बात है उसे भी आ गया। मेरी माँ, तुम्हें रोने की फुर्सत होगी पर मुझ में अब समझाने की ताकत नहीं है, प्लीज मुझे भूख लगी है यार। तब से यहाँ खड़े होकर काजू खा रही थी ये। पंडित जी मालती के नाम से पूजा करिए, आज इसका जन्मदिन है। ॐ भुवस्सु तत्सु विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कल पूरी रात सोचा मैंने और एक फैसला लिया है, मुझे रोहित सही नहीं लग रहा बल्कि आदि सही लग रहा है, और आपको तो अभी ही बोल दूं क्या? आदि ना नहीं बोलना चाहिए भगवान, प्लीज प्लीज भगवान प्लीज। दीर्घ आयुष्मान भव। क्या बात है, बहुत बड़ी मन्नत मांग रही थी। हाँ बहुत बड़ी मन्नत है। क्या बात है? बात कुछ खास ही है। अच्छा क्या है वो खास बात? ये फूल क्यों? देने का मन किया तो दे दिया। चोट लगने की वजह से कोमा में चले गए हैं, कोमा से बाहर आने के लिए 24 घंटे लगेंगे। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, आप घबराइएगा मत, मैं सब संभाल लूंगा। ये सब मेरी वजह से हुआ है, भैया ने मुझे मम्मी और डैडी से भी ज्यादा प्यार दिया है, मुझे माँ का नाम दिया और बहन की तरह नहीं माँ जैसा सम्मान भी दिया, और मुझे देखो प्यार के चक्कर में भैया को धोखा दे रही थी। सुनो तुम यहाँ पर रुकोगे तो परेशान हो जाओ, अभी चले यहाँ। Oh!
हाँ चलो आदि से ही पूछ लेते हैं, चलो मत जाओ। ए बटले तू हट जा, चल। अबे कल्लू। आदि मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूँ। मैंने रामायण पहले से एंड तक देख लिया, लेकिन राम का सीता से क्या रिश्ता है? उनसे पूछ। बोलना क्या रिश्ता है काका? तुम लोग इंसान हो या हैवान? वैसे भी भूतों को भावनाओं से क्या लेना देना? मालती की जान खतरे में है और तुम लोग मर के हमारी जान खा रहे हो। चले जाओ यहां से और वापस कभी मत आना। हमारे आने की वजह मालती ही है और तुम दोनों को हमने ही मिलाया है। अब ये नया ड्रामा है क्या? ये ड्रामा नहीं बल्कि सच है। तो अब मैं क्या करूं? जो करना था वो तो कर लिया, अब क्यों पूछ रहे हो मुझसे? मतलब तुम्हारी मर्जी के बिना ही तुम्हें ये प्रॉब्लम हुई है क्या? शादी करूंगा ऐसा प्रॉमिस किया था ना? सबके साथ अगर मैं प्रॉमिस निभाता तो अब तक मेरी 100 शादियां हो जाती। देखो गीता, घूमना फिरना एंजॉय करना और जिंदगी में खुश रहना ऐसी हमेशा सोच रखनी चाहिए, समझी? समझने की कोशिश करो। What happened? What is this nuisance? सर, इसने मुझे अपने प्यार में फंसा के मुझे धोखा दिया है सर। अब मैं प्रेग्नेंट हूँ सर। सर, जो कुछ भी हुआ उसमें दोनों की गलती है सर। अब ज्यादा देरी हो जाए उससे पहले हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। सर, आप ही इसे समझाइए ना सर। मैनेजर। सर। मेरे ऑफिस में तमाशा करने की जरूरत नहीं है और ना ही तुम जैसे लोगों की। इसी वक्त तुम्हें डिसमिस करता हूँ। टिल डेट इनकी सैलरी दे दो। ओके सर, प्लीज। दैट्स इट। सबके सामने बोलोगी तो मैं तुमसे शादी करूंगा यही सोच रही हो ना? तुम्हारी वजह से अच्छी खासी नौकरी चली गई मेरी। ये क्या, कहां जा रहे हो? मुझे जवाब दे के जाओ। जवाब नहीं, तुम्हारी समाधि बनाऊंगा। तू मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता है ना? लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगी। तुम क्या मुझे नहीं छोड़ोगी? मैं खुद तुमसे छुटकारा पा लेता हूँ। अरे सुनो, सब लोग जा रहे हैं, कितना समय लगेगा? बस एक मिनट, काम खत्म होने वाला ही है। हाँ, एक मिनट एक घंटे से बोल रही हो। तुम? यू स्कॉन्डर, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी! मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैंने किसी और के साथ कुछ किया और उसके मरने पर मुझे पुलिस के हवाले करके 6 साल जेल में भेज दिया। क्यों मैं नहीं छूटूंगा ऐसा सोचा था? किसी और के साथ गलत किया तो तुझे इतना बुरा लगा? अगर तेरी बहन के साथ करूंगा तो? मेरी बहन का नाम लेता है तू? अभी पुलिस को फोन करता हूँ। हाँ हेलो, कर दे पुलिस के हवाले। उससे पहले ये ब्रेकिंग न्यूज तो देख ले। देख, तेरी बहन किसका इंतजार कर रही है पता है तुझे? मेरा इंतजार। मैंने अपने प्यार के जाल में फंसाया उसे। मेरी बहन और तेरे साथ हो ही नहीं सकता। हेलो, हाँ मैं। हेलो मालती। 100 बार भी फोन कर ले या 100 को फोन कर ले, नो यूज। मेरी शादी अपनी बहन के साथ करवा दे, इस कंपनी को मेरे हवाले कर दे, वरना मेरी ख्वाहिश पूरी होने के बाद उसे रेड लाइट एरिया में भेज दूंगा। और जैसे उस लड़की का हाल किया वही हाल तेरी बहन का। बकवास बंद कर, अपनी बहन को किस तरह बचाना है मुझे पता है, तुझे तो मैं। Oof.
यहाँ क्या कर रहा है? बचाओ, बचाओ, कोई है? सर, 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 बचाओ मुझे! सर, 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 क्या हुआ सर? सर, क्या हुआ सर? मालती, मालती, मेरी बहन को बचा लो उससे! सर, हम आपकी बहन को बचा लेंगे सर! अभी करते हैं! सर, पहले आपको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा! सर, खोलो दरवाजा! जल्दी जाओ, मालती को बचा लो, प्लीज! सर, सर, हम आपको बचा लेंगे! हाँ सर, हम बचा लेंगे सर! प्लीज! सर, सर, चलो, चलो, एमडी साहब को सिक्योरिटी वालों ने बचा लिया, उस वजह से एमडी साहब बच गए, पर हम एमडी साहब बार बार यही बोल रहे थे कि मालती को बचा लो, इसीलिए झूठ मूठ की एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई गई और तुम्हारे लिए जॉब है ऐसा बताकर प्लान से तुम्हें यहाँ बुलाया गया। तुम दोनों को मिलाकर दोनों में प्यार हो जाए ये कोशिश कर रहे थे। उसे मालती नहीं मिली इसीलिए वो ये सब कर रहा है। कहां से क्या कर रहा है पता नहीं चल रहा है, पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। यहाँ आदि कौन है? मैं ही हूँ सर। इसके खिलाफ कंप्लेन आपने दी थी? हाँ सर। ओ, किसे मारने की कोशिश की थी इसने? इस लड़की को सर। आखिरी बार आपको यह कब दिखाई दिया था? परसों। कल ही सर, उसने मुझे मारने की कोशिश की थी। क्यों, पुलिस को मजाक समझ रखा है? परसों दिखाई दिया बोल रही हो, कल मारने की कोशिश की बोल रही हो? इसे मरे हुए पूरे 7 दिन हो गए, ऐसे क्या देख रही हो? उसकी डेड बॉडी अभी तक हमारे कब्जे में ही है, उसी केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं मैं, और तुम लोगों ने उसकी कंप्लेन लिखवा दी? इस तरह की हरकत दोबारा की तो तुम लोगों को शक के दायरे में अरेस्ट कर लूंगा। बेवकूफी की स्टोरी बनाना बंद करो। रोहित को मरे हुए 1 हफ्ते हो गए, उस दिन तुमने रोहित को ही देखा था ना? सच में मैंने रोहित को ही देखा। तो फिर क्या वो सच में मर गया है क्या? पुलिस ने जो फोटो दिखाई वो भी रोहित की ही थी। उसे मालती नहीं मिली इसीलिए वो ये सब कर रहा है। मालती, मेरे साथ चलो। सर्वस्य सर्वसिद्धि संबंधित है। जय दृष्टे च एक नेत्रा। तुमने जो बताया है और जैसा मैंने देखा है
उससे लगता है मालती पर बहुत बड़ा खतरा है। कल बड़ी अमावस्या है, शक्तिशाली तिथि है। इसी अमावस्या को उसका अंत नहीं किया गया तो उसकी आत्मा प्रेतात्मा बन जाएगी। आज के दिन मैं अंबे माँ की दीक्षा में रहकर कल से पूजा आरंभ करूंगा। आदि, आज के दिन तुम्हें मालती का ध्यान रखना होगा। ठीक है स्वामी जी। अब तुम लोग जा सकते हो। जय माता। अब कैसे हो? ठीक हूं। थोड़ा आराम करोगे तो ठीक हो जाओगे। सुनिए, मेरी बहन कैसी है? तुम्हारी बहन ठीक है। तुम्हारी बहन के साथ साथ उसका बॉयफ्रेंड भी आया है। आदि। हाँ? हेलो सर। हेलो। ऐसे क्या देख रहे हो यार? इसी ने तुम्हारी बहन को समझा कर संभाला है। वेरी नाइस गाय, टेक केयर। ओके। अब कैसे हो भैया? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो? उसने परेशान तो नहीं किया? वो एक्सीडेंट में मर चुका है सर, उसके बारे में टेंशन मत लीजिए। मेनी मेनी थैंक्स। मेरे साथ पनी, विजय, चित्रा, इन तीनों को धन्यवाद बोलिए सर। पर यहां तो कोई नहीं है। वो लोग आपको दिखाई नहीं देंगे सर, क्योंकि वो लोग मर चुके हैं। मर चुके? फिर भी आपसे वादा किया था उन्होंने, मरने के बाद भी वो अपना वादा निभा रहे हैं सर। आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद सर, हमने अपना वादा पूरा किया। गुरुजी, लेकर आ गया गुरुजी। हमें क्यों बुलाया स्वामी जी? एक बहुत जरूरी काम है, वो क्या है अभी बताऊंगा। वैसे भी अकेले में जाने से डर लगता है, ये आधी रात को शमशान में आने की जरूरत है क्या? इस पौधे से उसका क्या काम होगा? अरे नहीं यार। स्वामी जी, ये लीजिए आपने जो पौधा मंगवाया था। लता पात्राणि समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि। प्रसन्न हो माते, प्रसन्न हो। सर्वबाधा प्रशमनो त्रैलोक्य स्वाखिलेश्वरि एवमेव द्वयकार्य मस्मद्वैरि विनाशनम्। ओम ज्ञानिना मतिचेतांसि देवी भगवती हिसा वरदा कृष्णमोहाय महामाया प्रयाच्छति संक्षमस्वमे। ओम देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्य विधायिनि आवाहयामि, आवाहयामि, जय काली, आवाह। सर्वतीर्थाटनं कृत्वा पिशाचत्वेन पीडितः चरस्त वांतिकं गन्तु मसेक्त सन्निहस्तितः। ऐसे आश्चर्य में क्यों हो? वो अब मालती के शरीर में है। ए रोहित, मालती के शरीर के साथ क्या करना चाहता है? अब तक मैंने जिस पर नजर डाली उनमें से किसी को नहीं छोड़ा, इसलिए इसका मजा लेकर मार दूंगा। लेकिन तुझे इतना गुस्सा क्यों है इस पर? क्यों जानते हो? क्यों जानते हो? इसने मुझे मार डाला। कट क्यों किया?
क्या है? रोहित कहाँ हो तुम? बस आ रहा हूँ। प्लीज जल्दी आ जाओ, ट्रेन आ चुकी है। घबराओ मत, आ ही रहा हूँ। जल्दी आओ रोहित। मेरी मौत की वजह ये है, इसलिए इसका मजा लेकर इसे मार दूंगा। लेकिन इसके अंदर रहकर इसका मजा कैसे लोगे? ये लो सब लोग, इसे बांध लो जल्दी से। अब बोलो, अब क्या करोगे? मार दूंगा इसे, मार दूंगा इसे। इसे रोकने का कोई रास्ता नहीं। ये राक्षस की तिथि में मरा है, इसे रोकने के लिए तुम्हें ये तावीज लो, इसे अपने गले में पहन लो। ये क्या है स्वामी जी? ये इस दुष्ट की समाधि पर उगे हुए पौधे से बनी तावीज है। माँ की पूजा से इसे शुद्ध किया गया है। वो आदि शक्ति ही तुम्हारी रक्षा करेंगी। उस लड़की को मारने का मतलब हमारी इच्छा अधूरी रहेगी। तुम तो हो ना? क्या मैं? Oh!
का अंत हो गया है। उसने मेरी माँ की जान ली है, साथ में मुझे भी मार दिया। थैंक यू अंकल। माँ, माँ। आदि। जय तू महाकाली। मालती पर अब कोई खतरा नहीं है। दीर्घायुष्मान भव। जय काली। मालती। आ रही हूं जी। क्या है जी? ऑफिस के लिए निकलता हूं मैं। ठीक है, बाय बाय।